हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल आरकेएस। सो गाइस, लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो एंड स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक यूट्यूब के रिलेटेड एक बात हम करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप भी यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो बिना स्किप किए, वरना आपके चैनल गाइस बैंड हो सकता है या फिर आपके चैनल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स एंड जो नया गाइडलाइंस दिया है यूट्यूब ने, यूट्यूब के तरफ से कुछ नया गाइडलाइंस दिया गया है। सो उस गाइडलाइंस को मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो गाइस, एक्चुअली जो यूट्यूब का कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ चुका है जो फिलहाल जून से स्टार्ट हो जाएगा, जो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो वो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को 1 जून से जारी कर देगा। सो गाइडलाइंस क्या है? अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। सो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। एक्चुअली गाइडलाइंस जो है वो ये है कि अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर आपके चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ, फिर भी आपके चैनल में एड दिया जाएगा। यूट्यूब के तरफ से ये पूरा का पूरा क्लियर करके बोल दिया गया है कि जितने चैनल है टोटल, अगर मोनेटाइज नहीं हो फिर भी या फिर हो फिर भी, मतलब के सारे यूट्यूब चैनल्स पे फिलहाल एड्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी आपको पैसा मिलेगा क्या? सो शायद यही सवाल अभी आपके दिमाग में आ चुका है। अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है और अगर आपके चैनल पे एड आ जाए तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं? सो गाइस, एक्चुअली आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपके चैनल पे जो एड दिखाया जाएगा, उस एड दिखाने का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब चैनल मोनेटाइज होने से पहले आपको एड आपके वीडियोस पे एड शो करके जितना अर्निंग होगा, सारे के सारे अर्निंग यूट्यूब लेगा। मतलब वहां से आपको कोई भी 1% 0% भी आपको नहीं मिलेगा, वहां का पूरा पैसा यूट्यूब ले जाएगा। तो मतलब ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? हमारे लिए तो अच्छा है, जैसे कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आपके चैनल पे एड चले तो इसमें कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अगर मेरे चैनल मोनेटाइज है फिर भी मेरे चैनल पे एड तो वैसे ही मिलेगा। पूरा का पूरा पहले जून से स्टार्ट हो जाएगा, जो 1 जून से ये पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें प्रॉब्लम एक ये आ सकता है कि आपके चैनल, अगर आप किसी के चैनल में वीडियोस आप देख रहे हो तो वो चैनल मोनेटाइज है या नहीं वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो फिर भी एड चलेगा, और अगर मोनेटाइज हो फिर भी एड चलेगा। एंड अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, मोनेटाइज आपका चैनल एनेबल्ड है, आप यूट्यूब से अर्निंग भी आपका हो रहे और आप मतलब मीडियम साइज के ग्रो हो चुके हैं आपके चैनल, तो भी आपको इस गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि सारे यूट्यूबर्स को ही इसमें से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मतलब क्यों फेस करना पड़ेगा? एक्चुअली जब पूरा जितने भी यूट्यूब अकाउंट्स है, सारे यूट्यूब अकाउंट्स में जब एड दिया जाएगा, तब उस एड का जो वैल्यू है वो थोड़ा घट जाएगा। मतलब कि आपके वीडियोस पे एड कम शो करने लगेगा, एड ज़्यादा नहीं शो करेगा। एंड गाइस, इसके वजह से आपके प्रॉब्लम भी हो जाएगा कि पैसा इतना अर्निंग ज़्यादा नहीं होगा, एड भी शो नहीं करेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 500 मोनेटाइज्ड चैनल है एंड अगर 100 एड्स मिल गया, हाँ, तो इनमें से 100 एड्स अगर मिल गया और मोनेटाइज्ड चैनल अगर 500 है, तो
वो 100 एड्स जो है, सॉरी 100 नहीं 1000 एड्स, ओके, वो जो 1000 एड्स है उन 1000 एड्स को बस 500 चैनलों में ही दिखाना पड़ेगा। सुपार चैनल पे दो दो ऐड करके मिलेगा, सुपार चैनल पे दो ऐड करके देगा। और अगर 500 मोनेटाइज चैनल के अलावा अगर और ज़्यादा चैनल मिल गया और 500 मिल गया जो मोनेटाइज नहीं है, लेकिन लेकिन यूट्यूब के इस गाइडलाइन के मुताबिक उस पर भी एड शो करेगा, तो टोटल 1000 चैनल्स प्लस 1000 एड्स हो गया। सो पार चैनल पे आपको एक करके एड मिलने वाला है। सो ऐसा करके बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा, अर्निंग बहुत ही कम आने लगेगा, साथ में सारे यूट्यूबर्स को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसके वजह से। तो ऐसे करके जितने चैनल मोनेटाइज एनेबल हैं उन सबको भी प्रॉब्लम होगा इस गाइडलाइंस के मुताबिक। एंड ये जो गाइडलाइंस है ये पहले जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो फिलहाल आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड गाइस क्या बताऊँ, ऐसे करके बहुत सारा यूट्यूबर ऐसा है जो एड से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, उनके व्यूअर्स को प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से एड्स में पैसा एड्स को शो नहीं करवाता है, मतलब कि चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाता है। जैसे कि संदीप सर को आप लोग शायद जानते होंगे, जो मोटिवेशनल स्पीच का सर है, जो जिसका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है संदीप सर का, जो जहाँ पे मतलब 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो बस एक ऐसा चैनल है जहाँ पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन अभी तक एक भी वीडियो पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा उस चैनल के। बिकॉज संदीप सार जो है वो पैसा के लिए वीडियोस नहीं बनाता है, मतलब वो इसलिए एड्स नहीं शो करता है, बिकॉज जितने भी व्यूअर्स है कोई भी व्यूअर्स को ताकि कोई भी तकलीफ ना हो उसके वीडियोस देखने में। अगर मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होंगे उस टाइम अगर ऐड आ गया तो उसका ब्रेन जो है ब्रेन ध्यान मतलब हट जाता है, ध्यान हट जाता है, इसीलिए संदीप सर ने कोई भी वीडियो पे ऐड नहीं लगाया, मतलब कि उसके चैनल को ही मोनेटाइज नहीं करवाया। साथ में कोई भी प्रमोशन हो, कोई भी मतलब स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं करता है संदीप सर, बिल्कुल फ्री वीडियोस बनाता है, कोई भी पैसे के लिए वीडियोस नहीं बनाता है, एक भी पैसा शायद अभी तक नहीं मिला, नहीं कमाया सर ने। सो यही मतलब ऐसा यूट्यूबर्स नहीं है, कम है मतलब कि नहीं है, फिलहाल मैं तो फर्स्ट ही देख रहा हूँ कोई यूट्यूबर जिसका 20 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन अभी तक चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। तो इस गाइडलाइंस के वजह से तो गैस अभी मतलब कि संदीप सर को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। संदीप सर ने ऑलरेडी एक ट्वीट भी किया है, यूट्यूब इंडिया को ट्वीट करके बताया है कि आप लोगों को अगर पैसा चाहिए, अगर आप लोगों को मेरे चैनल से या फिर व्यूज से आपको पैसा चाहिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, मैं आपको पैसा रोज मतलब मानली भेज दूंगा, लेकिन आप मेरे वीडियोस पे ऐड मत लगाइए, मतलब ऐसे करके बहुत कुछ एक ट्वीट किया है, जहाँ पे बहुत अच्छे से संदीप सर ने बोला है कि जैसे कि प्राइम प्राइम मेंबरशिप जो है, प्राइम मेंबरशिप यूट्यूब प्राइम जो है वहाँ पे तो मंथली का पैकेज लिया जाता है ताकि ऐड शो ना करे। ऐसा करके संदीप सर ने बोला है कि आप लोग मेरे चैनल के लिए प्राइम मेंबरशिप आप लोग दीजिए ताकि मेरे चैनल पे खुद के चैनल पे खुद के वीडियोस पे ताकि ऐड ना लगा सके, मैं आप लोगों को मंथली पे करूंगा लेकिन मेरे वीडियोस पे ऐड नहीं लगाना चाहिए। सो ऐसा करके कुछ एक ट्वीट किया है जहाँ पे बहुत अच्छे से बोला है। अभी संदीप सर ने कुछ अलग ही, मैंने कल देखा कि एक वेबसाइट को ओपन किया है कि वहाँ पे वीडियोस अपलोड करेगा ताकि व्यूअर्स को प्रॉब्लम ना हो। एंड बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा किया है, ऐसा यूट्यूबर्स नहीं है, मैंने तो फर्स्ट देखा है ऐसा यूट्यूबर्स, मैं किसी को नहीं देखा जिसका 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। सोचिए 20 मिलियन सब्सक्राइबर है फिर भी उसके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, अगर चैनल को मोनेटाइज नहीं करे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो अभी तक एक भी पैसा सार ने कोई से यूट्यूब के वीडियो से या फिर चैनल से नहीं कमाया, क्योंकि सर का पैसा नहीं चाहिए, सर के स्पीच से जो कुछ लोग मतलब बुराई से अच्छाई पे आ सकता है या फिर बहुत मतलब बहुत चेंजेस हो सकता है जिसके वजह से सार को पैसा नहीं चाहिए। एंड ये जो गाइडलाइंस लेके आ चुका है, इस गाइडलाइन से सबको ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसका चैनल मोनेटाइज है उसको भी प्रॉब्लम होगा, साथ में जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है उसको भी प्रॉब्लम होगा। सो हमारे चैनल मोनेटाइज है जिसके वजह से हमारे चैनल का अभी जो अर्निंग है वो बहुत ही लो हो जाएगा, एड बहुत ही कम शो करने लगेगा, सारे जितने भी यूट्यूब क्रिएटर
चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल है, सारे के सारे चैनल पे अभी ऐड शो करेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आपको शो करेगा, और अगर मोनेटाइज है फिर भी शो करेगा। सो जितने चैनल्स में मोनेटाइज जितने चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, उन चैनल में अगर एड्स शो करे तो उस चैनल का ओनर का भी 1 रुपया भी मतलब फ़ायदा नहीं होगा, सारा का सारा पैसा यूट्यूब ही ले जाएगा। आपको 1% 0% भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, सबको प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से, एंड आई होप कि सब लोग मतलब वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो। यही गाइडलाइंस था जो मतलब अभी तक सारे यूट्यूबर्स को टेंशन में लगा दिया है, सारे यूट्यूबर्स को दिमाग में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। सो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के पास, ताकि ये वीडियो जा सके, सारे यूट्यूबर ही ये वीडियो देख सके। एंड यूट्यूब इंडिया को टैग करो, टैग करके वीडियोस बनाओ, या फिर कोई भी ट्वीट करो, ये करो वो करो, लेकिन यूट्यूब इंडिया को टैग करो। थोड़ा बहुत चेंजेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दीजिए, ताकि हम सबको प्रॉब्लम ना हो एंड किसी को भी शायद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि सारे यूट्यूबर के पास ये वीडियो जा सके। सो थैंक यू सो मच।